Good morning, student. DFC first year. Welcome all the student in your online class. Myself Jyoti. हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा जैव विविधता में उद्विकास, या जिसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। तो इस यूनिट में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। जैसे पहले हमने प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने, जो कि किसने दिया था, वेलेस ने। फिर उसके बाद हमने अडेप्टेशन पढ़ा, यानी कि अनुकूलनों के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने बायोडायवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देखा कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी क्या होती है और किस किस तरीके से उसके बायोडायवर्सिटी के प्रकार पाए जाते हैं। देन हमने बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन यानी कि उसके संरक्षण के बारे में अध्ययन किया, यानी कि बायोडायवर्सिटी जो होती है, उस जो जैव विविधता है, उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी देखा, जो कि हमारी जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास करती है। तो हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, बायोडायवर्सिटी को। आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, नया टॉपिक है, इसको हमने क्या लिखा है, महाद्वीपीय विस्थापन, या इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है।
तो यदि अगर हम इसे ग्रुप देखते हैं देखो इसको हम एक तरीके से पहले हमें डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहते हैं तो जैसे हम एक तरीके से ग्लोब की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं ग्लोब की स्ट्रक्चर का। Thank you.
जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा आता है हमारा अमेरिका महाद्वीप, और ये कौन सा है हमारा दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका जिसको हम कहते हैं। ये साउथ अमेरिका है और ये कौन सा है नॉर्थ अमेरिका, इसको हम क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये दोनों क्या यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया अफ्रीका, ये पूरा कौन सा अंतर है एशिया, और इसका यहां इंडिया है हमारा इंडिया। ठीक है, ये पूरा कौन सा हो जाता है एशिया हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये कौन सा जाता है हमारा एंटार्क्टिका। अब देखो जो ग्लोब होता है उस पर हम कुछ लाइंस भी ड्रॉ करते हैं, जैसे ये क्या बनाते हैं हम ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर लाइंस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक पर क्या बनाए थे अक्षांश, ग्लोब पर हम एक तरीके से किसके जो हमारी अर्थ है पूरी अर्थ पर हम कॉन्टिनेंट्स की या महाद्वीप की स्थिति देखते हैं। तो पहले ही कहा जाता था कि ये जो अलग अलग हमारे जो क्या है महाद्वीप बने हुए हैं ये एक अलग अलग नहीं थे, ये पहले एक ही पार्ट थे। ठीक है, यदि हम इन महाद्वीप में विस्थापन की बात करते हैं कि जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एशिया हो गया, या अफ्रीका हो गया, या हम कह रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, या ये अटलांटिक एरिया है, तो ये सारे के सारे पहले क्या थे एक इक्विवेलेंट एरिया थे। ठीक है, ये कैसे थे, ये पूरे एक इक्विवेलेंट एरिया थे, सबके सब एक इक्वल थे। यहां पर यदि अगर हम देखें अगर ये वाला जो पार्ट है ये अगर हम दक्षिणी अमेरिका के इस वाले पार्ट को देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका का ये वाला पार्ट इस अफ्रीका के इस पार्ट से सिमिलरिटी रखता है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो ये पार्ट क्या है, यानी कि ये ऐसा लगता है ये वाला भाग इस वाले भाग से अलग हुआ है। तो यहाँ एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है किसने दी है, बेगनर ने दी है, जो कि क्या कहती है कि पृथ्वी के भूगर्भ में उथल पुथल की वजह से, या आप कह सकते हैं कि समुद्र का ऊपर उठना नीचे बैठना, या हम कहते हैं कि जो अर्थ है उसमें क्या हो रहा है ऊपर का शिफ्टिंग होना, या इन शिफ्टिंग की वजह से ही ये कॉन्टिनेंट जो है वो एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी कि जो उनका प्लेस था उनके बीच में गैप आ गया और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कलेक्टिवली जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं महाद्वीप या विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डायग्राम को बनाएंगे, देन हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने ग्लोब बहुत अच्छा बनाया है। Thank you.
तू ही रहना। चलिए डायग्राम नोट डाउन किया। अब लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन। हेडिंग क्या है हमारी? महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। लिखेंगे आधुनिक महाद्वीपों के निर्माण के लिए, आधुनिक महाद्वीपों के निर्माण के लिए महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना दी गई। आधुनिक महाद्वीपों के निर्माण के लिए महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना दी गई। यह परिकल्पना सर्वप्रथम जर्मन भूगर्भ शास्त्री यानी कि जर्मन जियोजर्नोलॉजिस्ट है वे एल्फ्रेड वेगनर ने दी। महाद्वीपीय विस्थापन की यह परिकल्पना जर्मन भूगर्भ शास्त्री एल्फ्रेड वेगनर ने दी। इस परिकल्पना के अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तभी से ही पृथ्वी की भूमि का ऊपर उठना व नीचे खसना, पृथ्वी पर भूमि का ऊपर उठना व नीचे धसना तथा सागर तल का ऊपर उठना व नीचे धसने के कारण भूगर्भों के मध्य संबंध विस्थापित होते जा रहे हैं जिसके कारण ही इन आधुनिक महाद्वीपों का निर्माण हुआ है अर्थात पृथ्वी में उथल पुथल के कारण ही इन अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। लाइन चेंज करके लिखेंगे इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में एक विशाल भूखंड के रूप में विकसित थी। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ
भूगर्भीय उथल पुथल के कारण ये भूखंड एक दूसरे से दूर खिसक गए तथा महाद्वीपों का निर्माण हुआ। विस्थापन के कारण ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। और इस विस्थापन के कारण ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है।
मेजर ऑफ मॉडर्न ऑरिजन ऑफ मेजर एंड मॉडर्न कॉन्टिनेंट मेजर एंड मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स हैज बीन एक्सप्लेन बाय हैज बीन एक्सप्लेन बाय द हैज बीन एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट concept of differing of content differing of continents differing of continents the continental drift hypothesis continental drift hypothesis the continental drift was given before 1958 before 1958 due to the movement of earth the modern content are formed. Modern continents are formed. Modern continents are formed.
inventor Bragg. Alfred Wegener was the first who proposed the continental drift. कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को यही